हेलो हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। देर रात हमलावर आते हैं और एक गाड़ी पर फिल्मी स्टाइल में हमला करते हैं, तोड़कर उस गाड़ी को चले जाते हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं आपको बता दूं कि सेक्टर 3 में मौजूद हूं और यहां पर हमलावर देर रात आते हैं, करीब 1 बजे आते हैं और फिल्मी स्टाइल में हमला करके गाड़ी को तोड़ कर चले जाते हैं। क्यों आते हैं, क्या कारण रहा ऐसा कि गाड़ी पर जो है सारा गुस्सा निकाल दिया, ऐसे में हमारे साथ गाड़ी के ओनर मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि गाड़ी एक बार मैं दिखा दूं कि गाड़ी की जो हालात है वो क्या कर दिया, इस समय जो पूरा मामला है वो सीसीटीवी में कैद हो गया है। देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए गाड़ी की जो हालात है वो देख सकते हैं, ताबड़तोड़ लाठी डंडों से यहाँ पर हमला कर देते हैं और देखिए चारों शीशे यहाँ पर तोड़ दिए गए हैं और सामने से भी यहाँ पर देखिए गाड़ी पर हमला किया गया। और गरीबत यह रही कि गाड़ी पर उस समय कोई मौजूद नहीं था, देखिए यहाँ पर भी जो लाइट है वो तोड़ दी गई है और ऐसे में देखिए शीशे यहाँ पर पड़े हैं चारों। और मैं आपको बता दूं कि पाँचों जो शीशे हैं वो तोड़ कर जो हमलावर हैं वो फरार हो गए हैं। ऐसे में देखिए बातचीत कर लेते हैं और यहाँ पर भी देखिए कितने डंडे बरसाए गए हैं कि जो गाड़ी की हालत नई गाड़ी है और ऐसे में क्यों बरसाए गए हैं, क्या कारण रहा और करीब 1 बजे की घटना है। गाड़ी के मालिक से बातचीत कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रवि शर्मा है जी। और रात को 12:40 पे एक गाड़ी आती है वाइट कलर की जी, और वो यहाँ से सामने से बैक होके आते हैं और उसमें से 3 लोग उतरते हैं गाड़ी में से जी, और जिसमें से एक ड्राइवर गाड़ी में बैठा रहता है जी, और 3 लोग गाड़ी लगा के और डंडे निकाल के चारों तरफ से इसको प्री प्लानिंग के साथ में जी, और एक एक भी शीशा जो भी जितने भी शीशे हैं इसमें जी, सारे प्री प्लान से उन्होंने डंडे तोड़े हैं। और फुटेज में हमने सामने यहाँ पे कैमरा है उसमें देखा है जी, तो उसमें पाया है कि बहुत तेज़ से आवाज़ भी आ रही है, साउंड भी आ रहा है जी, तो उन्होंने इस तरह से ये प्री प्लान से हमारी गाड़ी को पूरा शीशे। कौन थे हमलावर, आखिर क्यों हमला किया आपकी गाड़ी पर, कोई दूसरी गाड़ी पर हमला क्यों नहीं किया? सर ये तो मैं नहीं जानता कि मेरे से किसकी कोई पर्सनली इंटेंशन है या कोई दुश्मनी है जी। पर आज से लगभग 1 हफ्ते पहले यहाँ गाड़ी खड़ी करने के पीछे एक भाई है हमारे, उनसे मेरी थोड़ी सी बहस हो गई थी जी। तो उसको लेके ऐसा हमारे मन में कोई माइंड भी नहीं था जी। बस मुझे थोड़ा सा उन्हीं पे है, बाकी मेरी किसी से यहाँ पे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है जी। और उन्होंने इस तरह से ये प्री प्लान करके यहाँ पे काम किया है। अच्छा, गाड़ी में उस समय कोई मौजूद नहीं था, अगर गाड़ी में कोई मौजूद होता तो क्या हालत होती? अरे सर मुझे तो ये लग रहा है कि अगर मैं ही गाड़ी में होता या मेरी फैमिली या मेरे बच्चे गाड़ी में होते, या अगर जब वो प्री प्लान से लगे हुए हैं तो हम जाते आते रहते तो उस तरह से भी वो हमारे साथ घटना घट सकती थी ना जी। तो इसी को लेके हमें बड़ा दुख है इस बात का जी। और बहुत प्री प्लानिंग के साथ उन्होंने किया है। मैंने ये साथ वाले दोनों कैमरे भी चेक करे, इधर से भी कैमरा चेक कराया लेफ्ट और राइट से, तो व्हाइट कलर की फोर्ड फीगो है और नंबर प्लेट को ब्लैक कलर से ढका हुआ है। ढका हुआ है जी। तो किसी मतलब आपराधिक कारण से यहाँ पर आए थे? हाँ जी हाँ जी, वो उनकी प्लानिंग से ही यहाँ पे आए हुए जी। और इस तरह से उन्होंने कहा, रात को इन लोगों ने भी देखा है, हमारे पड़ोसी हैं सब जी, तो इनके सामने की बात है, इनके सामने की बात है बिल्कुल। देखिए महिलाओं से बातचीत कर लेते हैं, सारे महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम पड़ोसी हमारे साथ मौजूद हैं, मैडम से बातचीत कर लेते हैं। मैडम जब गाड़ी ही सेफ नहीं है तो और लोग कैसे सेफ होंगे? बिल्कुल नहीं भैया, बिल्कुल सेफ नहीं है, क्यों घर पे भी आके हमला कर सकते हैं, ये ऐसे कोई पता नहीं है इसकी। ये हमारी एक औरत ने आवाज उठाई कि मेरी गाड़ी टूटी है, ऐसी ही तेरी ऐसी ही गाड़ी तोड़ दूंगी। कौन कह रहा था ऐसे? ये मैंने सुनी थी, जो बहस हुई थी उसने बोला था उसकी गाड़ी टूटी थी यहाँ पे जी। तो और भी महिलाएं हैं, मैडम आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? मोनिका। मोनिका जी, यहाँ पर आपके पड़ोस में गाड़ी टूट गई है देर रात, ऐसे में कितनी आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं निकल कर? अभी तक तो कभी हुई नहीं है, ये पहली बार ही हुआ है जी। पहली बार हुआ पहली बार ही हुआ है ऐसा। कितना खराब मानते हैं, क्योंकि नहीं, गलत है ये तो, किसी की और भी लोगों की गाड़ियां आए उनको भी दिक्कत हो सकती है जी, तो ऐसे में गलत है। कौन लोग हैं, कोई पहचान हो पाई? नहीं ये तो नहीं मालूम। रवि भैया से हम बातचीत कर लेते हैं। रवि भाई किसी की पहचान अभी तक हो पाई है, कौन लोग? नहीं इस तरह की पुष्टि नहीं हुई है यहाँ पे जी। हम लोग देख रहे हैं कि हमने कैमरा भी चेक करे, फुटेज भी चेक करे जी, और इस तरह की वो तो सर मेरा गाड़ी का नंबर उन्होंने चेक किया है, मेरा नंबर चेक करने के बाद प्री प्लानिंग से कि हाँ यही गाड़ी है जी, तो इसलिए उन्होंने मतलब इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। अच्छा मामला दर्ज करा दिया आपने? हाँ मैंने रात को 112 पे कॉल की है, उसके बाद में लोकल चौकी से भी हमारे लोग आ चुके हैं, हमने उनको FIR कंप्लेंट लॉज कर दी है जी, और अभी उसमें प्रक्रिया जारी है जी, और जैसा होता है
वो आपके सामने होगा। अब किसी बात का डर हो आपको कि दोबारा जो हमला ना करे? इस बात का डर है कि अगर वो इस तरह से इन्होंने अभी घटना हमारी गाड़ी को लेके की है, कल को वो हमारे घर पे भी आ सकते हैं। यहाँ पे सेक्टर में कॉमन जीना होते हैं, कॉमन चढ़ने की सीढ़ियाँ होती हैं, तो कोई किसी तरह से तक इस तरह से तो हमें उसकी सुरक्षा की जाए और इस तरह से हमें बिल्कुल देखिए डरे हुए हैं यहाँ पर। मैं आपको बता दूं कि अगर दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखना चाहता है, जो भी हमलावर अपनी बात रखना चाहता है कि आखिर क्यों इनकी गाड़ी फोड़ी, तो वो हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर देखिए, मैं आपको दोबारा दिखा दूं कि यहाँ पर गाड़ी के शीशे, वैगनार गाड़ी है और उसके शीशे देर रात फोड़े गए हैं और ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई गई हैं। और यहाँ पर देखिए शीशे देख लीजिए एक बार कि तमाम यहाँ पर कांच पड़ा है और ऐसे में आपराधिक घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं। और चारों तरफ जो है देखिए, खुद हम मालिक दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ टूटे, एक बार बता दीजिए। एक बार यहाँ पे ये हेडलाइट तोड़ी है इन्होंने जी, फिर इस पे भी ऊपर शीशे पे भी दो तीन डंडे मारे हैं उन्होंने जी। ये वाला शीशा भी राइट हैंड के दोनों शीशा आप देख रहे हैं कैमरे में जी, तो ये भी देखो यहाँ पे भी डंडा मारा है, यहाँ पे भी मारा है, ये पूरा शीशा तोड़ा है जी। ये नीचे भी इसमें डंडे मारे जी। और देखो ये यहाँ पे ये भी शीशा तोड़ दिया है जी। मतलब पूरी प्लानिंग के साथ में वो आए हैं। यदि मुझे लग रहा है अगर मैं बैठा होता तो मुझे भी तोड़ देते पूरा। अच्छा, आपको भी तोड़ देते? बिल्कुल तोड़ देते अगर इस तरह से गाड़ी उन्होंने जी, तो इस तरह से तो वो प्लानिंग के साथ ही थे जी जी जी। ये देखो ये चारों तरफ उन्होंने डंडे वंडे मार के, बिल्कुल चारों तरफ जो है डंडे बरसाकर जो अपराधी हैं वो फरार हो गए, गाड़ी से आए थे और करीब चार पांच लोग बताए जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने मामला दर्ज करके जो है सीसीटीवी खंगालना शुरू कर दिया है और अभी तक जो है पुष्टि नहीं हो पाई है कि हमलावर कौन थे। फिलहाल आप मेरे साथ देख रहे थे सिटी न्यूज 100। नमस्कार।